वेलकम टू थाईलैंड। हमारा होटल का रूम चेक करें। ओ ये है। आई लव द बाथरूम। हे फैसल, आ मुस्लिम शॉवर है। ओ शुक्र है। बहुत ही हाई बजट असाइनमेंट होता है, बड़ी लग्जरी होती है, बड़े शशके होते हैं। ये जो मछली का सर आप घरों में फेंक देते हैं, यहाँ ये एक ज़बरदस्त डिश है जी। सॉल्टेड एग लावा केक। अल्लाह माफी। प्लीज आप जरा दूर रहिएगा जरा। इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया खाने की वजह से। 200 मीटर के बाद एक दुकान या एक ठेला मिलता था जहाँ चर्स और वीड खुल्लम खुल्ला बिक्री होती थी। पीछे गाड़ी आ रही है। नाइस क्लासेस। हाउ मच? मतलब 3,000 भात से शुरू हुई है, अब कह रही है 2,500, फिर कहती है 1,000। किस चीज का कीमत है ये मुझे नहीं मालूम। जिन्होंने फूली हुई शलवारें ना। कमी बम बम थाईलैंड। रियली नहीं लग रहे, लग रहे डॉल हैं। मान से मेरे को करीब से देखा है, रियली नहीं लग रहे। ऐसा मेकअप, ऐसी परफेक्शन, इनकी स्किन ऐसे चमक रही है। गिव मी 5 बार। आइस लाटे इसके नीचे, देखिए पीछे पर्पल आई है, इसमें नीचे रेड है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम तरबूज खाते हुए मसाज कर रही है। वेलकम टू थाईलैंड। बैंकॉक आ गए हैं। ये अली है पीछे जो हमें लेने आए हैं, और ये हमारी गाड़ी है, और ये जो है पार्टी अभी शुरू होने वाली है, पौड़ी शुरू होने वाली है, और मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ। सो फैसल, फर्स्ट टाइम इन थाईलैंड फॉर यू? यस। तो अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ गए हैं अब कहाँ? थाईलैंड, बैंकॉक। और मैं बहुत दफ़ा आई हूँ क्योंकि कमर्शियल्स जो हमारे यहाँ हैं वो पाकिस्तानी बहुत अच्छे जो टॉप के कमर्शियल्स हैं वो बैंकॉक में शूट होते हैं, थाईलैंड में बनते हैं। आपको पता है ये बात? चलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ कमर्शियल्स कुरकुरे का कमर्शियल किया, मैंने यहाँ नेस्ले का कमर्शियल किया, लिप्टन का कमर्शियल किया हुआ है मैंने यहाँ, एंड वोट हेल्स ऑलपर्स का कमर्शियल किया हुआ है, और अब मैं आई हूँ यहाँ अगेन फॉर अ कमर्शियल जो कि केयर क्रीम का है। अच्छी बात यह है कि मैं वैसे दुनिया घूमे में है, वैसे यहाँ कभी नहीं घूमे, यहाँ आए नहीं, मतलब मलेशिया थाईलैंड कभी नहीं देखा। तो मैं बड़ा सोचती थी, मैं कहती वैसे थाईलैंड घुमाऊँगी आपको, और वाकई माशाल्लाह थाईलैंड हम आ गए। आप अमेरिका नहीं गई थी? अमेरिका मैं आपको लेके गया, थाईलैंड आप मुझे लेके। टर्की हम दोनों गए, पहले मैं लेके गई थी, पैसे लेके गए, और अब हम थाईलैंड आए हैं। आपने मतलब इस रीजन में क्यों नहीं आया? आप ऐसे ऐसे मुल्कों में जापान चाइना कोई मुल्क नहीं छोड़ा, ये कैसे आप भूल गए? इसका मतलब वो शरीफ आदमी ये मुल्क सिर्फ बेगम के साथ देखने वाला है। लेकिन बाकी कपल्स के आने वाली बेहतरीन जगह है, फैमिलीज के लिए बहुत मजे की जगह है, बहुत स्पेशल होटल्स हैं जहाँ बच्चों के लिए भी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, और मैं तो बच्चों के साथ आई हूँ यहाँ, और बच्चों को मेरे थाईलैंड बहुत पसंद है। और इस दफ़ा बच्चे नहीं हैं क्योंकि काम है, जल्दी हमने जाना है, 8-9 days का हमारा ट्रिप है, काम है 1-2 दिन का, बाकी हम घूमेंगे फिरेंगे, पर आप भी हमारे साथ बने हैं। यहाँ मिलती है डिज़ाइनर बैग्स की A+ कॉपीज, ज़बरदस्त कॉपीज, जो दुनिया में इतनी अच्छी कॉपीज कहीं नहीं मिलती। और जूते बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अच्छी क्योंकि वो यहाँ बनती हैं, क्योंकि डिज़ाइनर बैग्स बहुत सारे यहाँ बनते हैं, इनकी फैक्ट्रीज हैं, तो इसलिए शानदार कॉपीज आ जाती हैं, और वो मैं आपको दिखाऊंगी भी अगर उन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी। तो मैंने कुछ बैग्स लेने हैं जो कि अब आपको ट्रैवल बैग लेने हैं। हाँ, हमें सूटकेस तो हमेशा ही फैसले हर जगह से लेना होता है, वो तो हम घर से भी निकलते हैं कराची में तो फैसले सूटकेस ले लेते हैं रस्ते में, हाँ कोई बाजार नहीं छोड़ा फैसले ने। मैंने हैंड बैग जरूर लेने हैं, बैग पैक लेने हैं, और फैसले दुबई में अपनी जी शॉप की जो वॉच है खो चुकी है, घुमा दी इन्होंने, इसलिए अभी एक्साइटेड हो रहे हैं कि अच्छा घूमी अभी नहीं लेंगे। मैं फैसल को
तो चिंकी खाने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इनको खिलाऊंगी। मैं इनको सारी थाई करीज सी फूड के साथ जो है उसमें खिलाऊंगी। और अगर आप ना सी फूड खाएँ तो फिर वो हलाल फूड का इससे प्रॉब्लम नहीं होता। मैं तो हर चीज़ में सी फूड खा लेती हूँ, तो आई एम फाइन। प्रॉन हो गया, फिश हो गया, आई लव थाई फूड। थाई फूड इज अमेजिंग, माई मोस्ट फेवरेट फूड इज थाई फूड। सादे लोग हैं, प्यार करने वाले सादे लोग हैं, बहुत ख्याल रखते हैं आपका। वो कहते हैं हर वो चीज़ जो चल सकती है हम खा सकते हैं, नखरे नहीं करते ही। ये हमारे होटल का व्यू है जहाँ मैं अभी चेक इन कर रही हूँ, नोवोटेल ब्लैंचेट। और ये ट्रेन है बिल्कुल, तो ट्रेन इज राइट इन फ्रंट ऑफ द होटल, वेरी कन्वीनियंट। ये हमारा नाश्ता है, ये मेरा नाश्ता है, फिश खा रही हूँ नूडल्स के साथ, और ये मेरा नाश्ता है। ता भी नहीं है। रूम की कार्ड पे भी लड़की बनी हुई है, पता नहीं क्यों। हाँ जोर से खोले ना। ओके जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा हमारा रूम बुक हुआ है। ये देखे जरा, रंग बिरंगा प्यारा सा। ओह, बैंकॉक में हमारा होटल का रूम चेक करें। नाइस होटल, होटल ये है सिटिंग एरिया। अरे बैठ गए, फैसल बेड नहीं है, फैसल बेड नहीं है, मैं कहाँ सोऊंगी, क्या बस ये बेड है। अरे बैठ गए, टीवी तो है। ये बेडरूम है, ओफो ये है द बेडरूम, वेरी नाइस। हमारी कबर्ड्स कितनी अच्छी है, अभी हमने चार पांच दिन रहना है तो अच्छा होना चाहिए। आई लव द बाथरूम। हाय फैसल, बाथरूम चेक करें। मैं कहा शुक्र है दो बाथरूम है, मियां बीबी को बाथरूम नहीं शेयर करना चाहिए। ये कितना ज़बरदस्त है, ये वॉशरूम है, ये क्या है भाई, कुछ लोग समझ ही गए होंगे क्या है। ये शावर का एरिया है अलग से, वेरी नाइस। यहाँ मुस्लिम शावर है, ओए शुक्र है। मैंने क्या कहा, मैं बात करके आया, फेवरेट होटल है ये, मैं इनसे बात करके आया था, ये हमारी डील हुई थी। ओफ कितना मजे का बाथरूम, मतलब बाथरूम की हर लवाजमात यहाँ मौजूद है। हाँ ना, यहाँ की भी प्राइवेसी हो गई, शावर की भी। ये देखें जी, ये कबर्ड कितनी अच्छी है, वेरी नाइस। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, व्यू फ्रॉम द रूम, बैंकॉक का व्यू। बहुत प्यारा रूम है, बहुत मजे का स्वीट है, मुझे अच्छा लगा कि इट्स वेरी स्पेशियस। मैं आपको बताऊं, व्हेन यू कम फॉर कमर्शियल्स, रियली जब आर्टिस्ट कमर्शियल्स के लिए आते हैं, दैट्स द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट ड्रामों में, शोज में, उसमें ऐसा नहीं होता है। जब कमर्शियल्स के लिए आप आते हैं चार पाँच दिन, स्पेशली थाईलैंड में जब बन रहे होते हैं, बहुत ही हाई बजट असाइनमेंट होता है, बड़ी लग्जरी होती है, बड़े शशके होते हैं, और बहुत मज़ा आता है। छुट्टी भी हो जाती है, काम भी बहुत मज़े का होता है, और हर अरेंजमेंट इज़ VVVVIP। हमने कमरा कर दिया है डार्क क्योंकि सोने वाले हैं, शदीद थके हैं, फ़्लाइट जो थी 5 घंटे की थी, बिल्कुल सोना नहीं हुआ उसमें, तो अभी गुड नाइट मीनू टाइम। खूबसूरत सा हाई एंड मॉल है, पता नहीं क्या नाम है इसका, हमारे होटल के पास हम यहाँ आ गए हैं, हमें नाम नहीं पता, बट बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। हाई एंड इसलिए क्योंकि सारे टॉप डिज़ाइनर्स की आउटलेट्स यहाँ हैं। ज़ारा में सेल है। थाईलैंड में कुछ खाने हैं बहुत ही यूनिक, बहुत अजीब से, कुछ खा सकते हैं, कुछ आप खा नहीं सकते, और कुछ की आप सिर्फ तस्वीर देख के या नाम सुन के आप हक्का बक्का रह जाते हैं कि ओह माई गॉड ये कौन खाता होगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे कुछ यादगार खाने। ये है शार्क फिन टेम्पुरा, ये देखिए सालमन कबूटो नुट्सुकी। ये जो मछली का सर आप घरों में फेंक देते हैं, यहाँ ये एक ज़बरदस्त डिश है जो कि काफ़ी महंगी है। ये यहाँ शौक से खाई जाती है, जिसमें सिर्फ मछली का सर है, इस डिश का ना सर है ना पैर है। एक और बड़ी मुझे अजीब चीज़ लगी, आ हा हा हा,
मोल्टन लावा केक। ये देखिए आपको ये मोल्टन लावा केक लग रहा है आपको, मीठा बिल्कुल देखने में तो लग रहा है। आइए मैं आपको बताऊँ ये असल में है क्या। ये है जी सॉल्टेड एग लावा केक, अल्लाह माफी। यानी ये मीठे के बजाय इसमें अंदर से सॉल्टेड एग निकलेगा और ये लावा केक है। खाएंगे आप? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। आइए मैं अब आपको और एक अजीब चीज़ से मिलाऊंगी। ये हैं हमारे मियाँ माशाल्लाह, ये बहुत ही अजीब और प्यारी और क्या कहते हैं उसको, नायाब चीज़ें, चिप्स। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे आप खाने से घबरा रहे हैं, क्या हुआ यार? मुझे मैं आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, खाने नहीं समझ आ रहा। दाल चावल वाला, सब्जी रोटी वाला बंदा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा होकर बारबेक्यू खा लिया या क्लब सैंडविच। आउट ऑफ द वर्ल्ड मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर जितना आया था ना इतना इतना से जाऊँगा। डाइटिंग के लिए बेहतरीन जगह है उन लोगों के लिए जिनको खाने ये था ये समझ नहीं आता। फ्रूट्स मैं यहाँ खा सकता हूँ, यहाँ पर पाइनएप्पल है, कोकोनट, कितने मज़े का बार। यहाँ पर काफ़ी कई अभी दादिया ने तकरीबन कोई 70 दर्जन मछली के अंडे खाए हैं रॉ। मैंने सोचा प्लीज़ आप ज़रा दूर रहिएगा ज़रा। फैसल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया खाने की वजह से। अच्छा सुने, मैंने खाया एक चीज़ होती है टोबिको, और वो लोग जो सुशी खाते हैं, अच्छा मैं कुक्ड सुशी खाती हूँ, कच्ची सुशी नहीं खाती, लेकिन टोबिको उसका हिस्सा है और वो बहुत मज़े के होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खाऊँ, मैं तो सी फूड यहाँ खा रही हूँ, तो मैंने कहा मुझे टोबिको ला दो। राइस होती है नरम सी बॉयल्ड, उसके ऊपर मैंने टोबिको डाला और मैं खा गया। जो बात मुझे थाईलैंड में बहुत अजीब, नई और परेशान कौन लगी कि इतनी सारी वीड, हर 200 मीटर के बाद एक दुकान या एक ठेला मिलता था जहाँ चर्स और वीड खुल्लम खुल्ला बिक्री होती थी। और ये तो देखें पूरा स्टोर है जहाँ बैठ के लोग आराम से पी सकते हैं, इतने सारे फ्लेवर्स डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए, इतनी आम के दुनिया भर से जहाँ बना है वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और इतने फ्लेवर्स के जो है वीड और चर्स ट्राई करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब भी मैं वहाँ से गुजरती थी, क्योंकि जो बार बार दुकान या ठेला आ जाता था, मेरा इतना माइग्रेन, मेरे सर में दर्द, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी गंदी और इतनी तेज़ होती है कि आपका सर चकरा जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी और मुझे अफसोस हुआ कि थाईलैंड में ये जो एडिशन है ये अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं। और इतने फ्लेवर्स की तरह, जैसे कोई आइसक्रीम पार्लर के बाहर आप खड़े हो गए हों कि जी ये फोकस के लिए, ये कामनेस के लिए, ये एंजाइटी के लिए, ये टेस्ट के लिए, ये वो टेस्ट के लिए, अच्छा नहीं लगा। रश देखें बैंकॉक की स्ट्रीट्स में, रात को रश, दिन में रश, हर वक्त रश। बारिश नहीं हो रही है, वरना इतनी इन मौसमों में जून जुलाई में इतनी बारिश होती थी, अब नहीं हो रही। अब मैंने सुबह एक स्पोर्टी टुक-टुक पे, बहुत तेज जा रहा है ये टुक-टुक वाला, बहुत तेज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मजा आएगा। You're in safe hands. You are not the one driving safe hands. यार एक होना चाहिए पाकिस्तान में, बहुत अच्छे हैं हम लोगों ने ना, फिर अच्छे शराब से बनाए हैं, जीप से बनाए हैं, बाप बाप ये हवादार अच्छे और बड़े कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगा। पीछे गाड़ी आ रही है, मुझे वैसी ना फास्ट ड्राइविंग, क्लोज ड्राइविंग बहुत डर लगता है, मुझे बहुत कार फोबिया, रोड फोबिया है बहुत ज़्यादा। बहुत प्यारी लग रही है। कौन? मैं। अपने आप को ना देखें, लेंस में देखें, लिपस्टिक पहन सही कर लूँगा। उतर गई, हमने खाना खाया अभी, हमने क्योंकि हम हलाल खाना ढूंढ रहे थे, हमें एक अरेबिक रेस्टोरेंट मिला शहजाद करके, शहजाद लेबनीज रेस्टोरेंट था, वहाँ हमने खाई मिक्स ग्रिल और हुमस की दो प्लेट। ये नाइट मार्केट है और नाइस ग्लासेस, हाउ मच? मैं घुमाती इतनी हूँ कि ये कि बहुत महंगी ग्लासेस हर जगह नहीं ले जानी चाहिए, ब्रांडेड कहीं कहीं ये वाली भी जानी चाहिए। ये स्मार्ट है, 950 यानी कि तकरीबन 8,000 रुपये। तो मुझे माला पहना रहे हैं, अरे खुद नहीं पहने मुझे पहनाए। कैन आई ट्राई आल्सो? मुझे पहनाए, अगर बाल फंसे ना। ये मेरे फैंस देखें, ये सारे मेरे फैंस हैं। हाउ मच? 400
फैंस 200 यानी तकरीबन 3,500 रुपए का होगा। ले लो या नहीं? पता ले लिया। पैसे ला, पैसे दे, मैंने नहीं देने। मनी रिच मैन, दिस मैन। कभी भी पहली दुकान से कुछ नहीं खरीदना, यहाँ इतनी डिस्काउंट होती है। अभी हम आए हुए नाइट मार्केट में, टोट बैग, टोट बैग, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, पहली दुकान से नहीं। ओके, आई वांट गुड कॉपी बैग्स, बेस्ट कॉपी, नंबर वन, नंबर वन। यहाँ तो भाई खुल्लम खुल्ला कॉपीज मिल रही हैं, मना भी नहीं है। दुबई वगैरह में छुप के मिलती हैं अगर कोई कर रहा हो, क्योंकि पकड़े जाएं तो बहुत फंस जाएंगे, गलत है। यहाँ ओपन मेकअप बैग भी लेना है मैंने, पता है? ये भी प्लीज, लंच बॉक्स भी लेके जाऊँ मैं शूट पे, लंच बॉक्स है वैसे। ये भी वही माइकल कॉर्ड बैग, ये तो मुझे वही लग रहा है। ये बहुत प्यारा, हाथ लगे नरम, मुझे मक्खन, क्यों ना पकड़ाऊँ। How much this one? Malbari ka bahut nahi. Which one? How much? 2,500. Number one, two. And this one, how much? This one 3,000. What is this? Bag ke andar bag. Oh. Ah, two bags. Kaisa lag raha hai mujh pe ye bag? I like this bag. फैसल ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, 3,000 का है। 3,000 लास्ट प्राइस, हाउ मच? 2,500 दिस वन। उसने 3,000 बात से शुरू हुई है, अब कह रही है 2,500, फिर कहती है 1,000। समझ आइए, चेक किया पहले, मुझे कहती है 3,500 बात में बैग ले लो। मैंने कम कराऊंगी थोड़ा सा, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वो 3,500 से 2,500 पे आई, फिर खुद ही कहती है 1,000 में ले लो। 1,000, यानी कि आपका कितना, उसमें भी इसका प्रॉफिट होगा, इसको तो 200 बात का मिला होगा अपनी फेवरेट शॉप में। अब इनको कोई नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं। फैसल की दो चीज़ें, दोनों जो है ना इनकी महबूबा है, एक ही दुकान में, एक महबूबा शूज़, एक महबूबा सूटकेस। फैसल ने वापस नहीं जाना। अच्छी कॉपीज हैं, कितने के ये एयर देखें। ओए हो, मजे के जूते हैं। हाय, क्या मैंने क्या लेने, ये फैसल के लिए बेस्ट। हाय, सो क्यूट। हाउ मच दिस वन? 200 में देगा, 100 में बता रही हूँ। हाँ, 1,200। उसने भी 1,200 बोले। किनू किनू को चाहिए भाई ये एयर जॉर्डन टॉर्च? अच्छा, टॉर्च लेने आए हैं आप थाईलैंड, टॉर्च लेने आए हैं। वही टॉर्च का क्या करेंगे आप? नहीं, टॉर्च नहीं लेनी आपने, आप आए हैं थाईलैंड, आप टॉर्च लेके नहीं जाएंगे। मैंगो खाएंगे आप चावल के साथ? नाइस, ये स्ट्रीट फूड है, मैंने देखा है मैंगो स्टिकी राइस में है। वैसे ये स्ट्रीट फूड है यहाँ का, ये पता नहीं क्या है, अंडे, अंडे, अंडे नहीं है, किसके अंडे हैं ये? मुर्गी के अंडे हैं।
सिर्फ दिखा रही हूँ आपको, दूर है से, जितना दूर रह सकते रहे, इसमें स्मेल भी बड़ी गंदी है। और ये बैंकॉक की ग्वाल मंडी है, फैसल कह रहे हैं बैंकॉक की ग्वाल मंडी है। मेरी मोस्ट फेवरेट चीज जिसको मैंने हर मेरे ख्याल 6 घंटे 5 घंटे के बाद मैंने इसको खाया और पिया, नारियल, जो कि 50 baht यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी 412 रुपए का, लेकिन इतना मीठा इतना मजेदार मैंने कभी नारियल नहीं खाया। इतना इस कोकोनट वाटर में वाटर है कि बंदा नहा ले इसे। थैंक यू मेरी ये चीज आई है, दिस इज फ्रेश कोकोनट, वेरी नाइस गुड। ये देखा ये बेस्ट चीज है यहाँ की। अच्छा कोकोनट वाटर जो है ना फैसल, श्रीलंका के कोकोनट वाटर, कोकोनट का टेस्ट अलग है, कराची का अलग है। मैंने जितना मजे का थाईलैंड में कोकोनट वाटर और कोकोनट खाया ना, यहाँ हर चीज बनती है तेज आंच पे। ये कीमा है, किस चीज का कीमा है ये मुझे नहीं मालूम। तो इस जगह का नाम है बैंकॉक में फॉर्चून टावर। फॉर्चून टावर का ये है लास्ट 4th फ्लोर है जहाँ पर मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के इनके पास रिपेयर और हर किस्म की चीज़ें इनके पास है, कैमराज हैं, ओल्ड फोन्स हैं, टफ बॉक्सेस देखने हैं तो आपके पास हार्ड बॉक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बैंकॉक के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इम्प्रेस हो गया, ये कम से कम हमसे 50 साल आगे हैं। इनकी एक अंडरग्राउंड ट्रेन है और एक ओवरग्राउंड ट्रेन है, एक का नाम BTS है जो ऊपर चलती है, एक MBT है जो कि नीचे चलती है। उनकी इतनी ज़बरदस्त अप्रोच है कि वो जब भी आप उससे बाहर निकलते हैं, आप किसी न किसी जगह पर एंटर कर रहे होते हैं, किसी मॉल पे एंटर कर रहे होते हैं, उसी फ्लोर उसी लेवल पे, आपको लगता ही नहीं है कि आपको कुछ चल के भी कहीं जाना पड़े। यार इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़बरदस्त है, मसाज चेयर के मज़े भी ले सकते हैं। अगर आप 20 थाई बात देंगे तो 6 मिनट की, और 100 थाई बात देंगे तो आधा घंटे आप यहाँ पर सो भी सकते हैं। कैमरा भी लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, आमने सामने इधर उधर मौजी मौज। बैंकॉक की बारिश ऐसी है लगता है कि छतें टूट जाएंगी और कुछ भी नहीं होता, ना रोड को ना छतों को। लास्ट टाइम आई थिंक कोई अबाउट 10 years ago, तब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था शॉपिंग के लिए, समथिंग लाइक दुबई मॉल। मुझे बड़ी खुशी है इन्होंने बहुत तरक्की की है, और दुख ये है कि हमने तरक्की नहीं की। हमारी आज भी सड़कें पहले से ज़्यादा टूटी हैं, हर सिस्टम हमारा कोलैप्सिंग है। इनको देख के खुशी हो रही है और अपने मुल्क के हालात देख के दुख हो रहा है। फैसल तो बहुत ही तपतपे में, मतलब 10 साल में मैं यहाँ आई हूँ, इतना बदल गया। 50 साल आ गए हमसे, मैं वो बताऊँ, इन्होंने इतनी कन्वीनियंस के लिए लोगों के लिए काम किए, ऐसी सहूलत कि आपको मुश्किल नहीं है, आप चाहे वेदर के मुकाबले भी करते, बारिश भी हो रही हो, दे मेक श्योर कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चलती रहे। कि पिछले 10 साल में मुश्किल से 4 या 5 रुपए इनके हिसाब से जो महंगाई हुई है 10 सालों में, अभी भी लोगों के लिए अफोर्डेबल, सस्ते खाने, सस्ती रिहाइश, पढ़ाई, हर चीज़। और मुझे ये भी लगता है कि आप यकीन करें, एक मुल्क को अंडर डिवेलप से डिवेलप्ड होने के लिए 10 साल इनफ है। अगर वो चाहें, उनकी हुकूमत चाहे, उनके लोग चाहें, हम डेमोक्रेसी करते हैं, मुझे लगता है जहाँ किंग है, जहाँ हुकूमत नहीं बदलती, आई थिंक वो मुल्क ज़्यादा बेहतर है। UAE हो गया, थाईलैंड हो गया, इनमें ये 5-5 साल वाला चक्कर नहीं है, इसके सीट पे आओ और सीट बदलो, दूसरा आ रहा है उसको नहीं बैठने देना, मेरी सीट ना चली जाए, कोई काम ही नहीं करता। बेस्ट तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी फेल। बारिश होते हुए 2 चीज़ें नहीं हुई, तो पानी खड़ा नहीं हुआ और बिजली नहीं गई, मतलब क्या धमाकेदार बारिश। बैलून स्टाइल इटालियन फैशन है ये, और मुझे तो कोरियन टाइप भी लग रहा है, बट ये जो स्कर्ट या ट्राउजर इज लाइक अ बैलून। ये आएगा अभी फैशन पाकिस्तान में भी आएगा बरसात में, आपको ना लाहौर में ऐसे कई लोग नजर आएंगे जिन्होंने फूली हुई शलवार है ना। जूतों के बाद फैसल का दूसरा लव है ग्लासेस। पता भी नहीं इस वक्त मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, उनको कुछ पता नहीं है। मेरी तो ये हालत है कि मैं मेकअप की दुनिया में खो सी गई थी, मेरा फेवरेट, मेरा मोस्ट लव्ड हाई, सारे ब्रांड्स यहाँ से आम सेंटर में, मैं पागल हो गई। आईब्रोज देख रहे हैं, हर चीज़ मेरी इस वक्त जो है ना टचअप हुआ हुआ है, इसमें ज़बरदस्त मेकअप किया और ज़बरदस्त मेकअप लिया भी है।
ये ज़्यादातर शार्लेट टिल्बरी की चीज़ें हैं, लेकिन मेरा फेवरेट एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है जिसका नाम है शूमेरा। शूमेरा इज़ अ जापानीज़ ब्रांड। मलेशिया से मैंने इसका लिया था क्लिनजिंग ऑयल टू रिमूव मेकअप। इतना कमाल है और बहुत लंबा चला मेरा, आराम से 1.5 साल तो चला है। तो उसके बाद फिर वो मुझे नहीं मिला, दुबई में भी नहीं मिल रहा था और मुझे था कि मलेशिया में मिलेगा या फिर थाईलैंड में। आई वॉज़ लुकिंग फॉर इट, यहाँ इस स्टोर में मुझे मिल गया। सारे मेरे पसंद के ब्रांड्स यहाँ हैं। इट्स अ स्टोर विद ऑल द मेकअप ब्रांड्स अंडर वन रूफ। हर तरह का परफ्यूम, स्किन केयर, ये सेट है भाई। ये रहा शू मेरा, ये ब्रांड है। Hi, Swadhika, how are you? Yes, thank you. Lovely, my benefit. Oh, the poor. This is for my YouTube video, my vlog. Yeah. And look at the amazing staff of Benefit. What's your name? Kami Bom. From Bom? Thailand. Kami Bom is your name? This is my name. That's such a Bom. Lovely name. Bom. You are a bomb. Tu bomb hi hai, beta. You come from Ramadan? I'm from Pakistan. How about Thai food? I love Thai food. Pad Thai, the best one. Yes. बेस्ट ब्रांड है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। और ये दुबई से चीपर है यहाँ इन बैंकॉक, मुझे प्राइसेस इसकी कम लगी। और मुझे ये फैसल मुझे गिफ्ट हुआ है, शूज़ मुझे गिफ्ट हुए हैं क्योंकि मैंने शॉपिंग इतनी की। उन्होंने कहा पिलो ले लो या शूज़ ले लो रूम के, तो मैंने शूज़ लिए, स्लीपर्स। क्यूट लड़के हैं, रियली नहीं लग रहे, लग रहे डॉल हैं। मान से मेरे को करीब से देखा है, रियली नहीं लग रहे। ऐसा मेकअप, ऐसी परफेक्शन स्किल, इनकी स्किन ऐसे चमक रही है, लग रहा है वाकई गुड्डे में जान आ गई है। जो कहते ना गुड्डा, वाकई गुड्डा था, वेरी क्यूट। अच्छा मॉल के अंदर मॉल है, मॉल के अंदर मॉल है और साथ में ट्रेन है। पानी अगर मुझे नहीं मिला अगले 5 मिनटों में तो मैं ये पानी पी लूँगी, प्यास लगी हो तो कुछ भी हो सकता है। मीน้ำหอมครับลังโคมีโดแล้วใช้ไอโฟนเปิดเครื่องสแกนใช้ระบบ Android เข้าไปลังโคมบิวตี้เทคแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กครับกับลังโคมบียอนด์อีเวนต์ด้วยรวบรวมภาพทุกอย่างครับไว้ให้อยู่ในที่เดียวกันใครเป็นแฟนคลับของคุณบิวตี้นะยี่ข้าวไหนแก่หัวไม่ข้าวยี่ข้าวไหนยี่ข้าวไหนकैसा है, मजे का है? ये इतना गर्म है, ये एप्पल पाई है ऐसा। और अभी अवन से निकला है, वो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, वो तो ठीक है, अच्छा, ज्यादा मीठा नहीं है। ये खाएंगे। Okay. Can you give me 5 bucks? Here. मेरी बॉस इसके लेस में क्या ये जाते हैं? चलें। मज़े का लाउंज है, ओए क्या लाउंज है हमारा ज़बरदस्त। हाँ बैठे। वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और हम अभी बिजनेस क्लास लाउंज में हैं। इधर कोरल लाउंज है, इट्स सो ब्यूटीफुल बैंकॉक के एयरपोर्ट पे। बहुत मज़े का खाना, इतना लाविश बफे था।
और साथ में कुछ बड़ी ख़ास चीज़ें हुई। एक तो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री हेड शोल्डर मसाज मिली लाउंज में, खाना हमने बड़े मज़े का खाया। अभी हम ये आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं दो खा रही हूँ, ये इतने मज़े का है। साथ में बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ मिल रही थी मुझे कॉफ़ी लाटे, और फ्लेवर उसके कमाल है, मैंने ज़िंदगी में कैसे कभी नहीं देखे। लैवेंडर आइस लाटे, रोज़ आइस लाटे, लुक एट दिस, ये लैवेंडर आइस लाटे, इसके नीचे देखिए पीछे पर्पल आई है, इसके फ्लेवर में खुशबू और टेस्ट लैवेंडर है, बहुत टेस्ट फ्लेवर है लैवेंडर का, मतलब मैंने सूंघा है लैवेंडर, कभी खाया नहीं, अब फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, अब पी रही हूँ। सेकेंड वाली इज रोज लाटे, और ये देखिए इसमें नीचे रेड है, रोज की खुशबू और टेस्ट आएगा, अमेजिंग। रोज और कॉफी मैंने कभी सुना ही नहीं था कि साथ चलती भी है, आप समझिए जैसे इट्स सच ए गुड आइडिया कि रोज मिल्क में कॉफी विद आइस। फैसल आप एंजॉय कर रहे हैं, आप दोबारा इधर आए, बार बार आए, पर मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम तरबूज खाते हुए मसाज कर रहे हैं। लैवेंडर, आपको फैसल को लैवेंडर बहुत पसंद है, मुझे रोज बहुत पसंद है, मुझे हो गया था जिम्मेदारी। आइस लाटे में लैवेंडर क्या ख्याल है यार, इसमें चीनी लग रहा है, जो आइसक्रीम है ये क्रीमी वाली नहीं है, ये बिल्कुल लग रहा है जैसे स्लश टाइप की होती, मतलब आइस का ज्यादा इसमें फ्लेवर आ रहा है। राइस नूडल्स हैं ये विद क्रैब सॉस, ये पनीर करी अमेजिंग थी।